स्कूल्स में स्मार्टफोन को कंप्लीटली बैन किया जाने वाला है। आप लोग भी जानते हैं कि आजकल बच्चे अपनी आधी से ज्यादा पढ़ाई यानी 100 में से 90% पढ़ाई जो है वो मोबाइल के जरिए ही पूरी कर रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि यूनेस्को ने ऐसा कहा है कि ग्लोबली जो है वो स्कूल्स में स्मार्टफोन्स को बैन कर दिया जाए ताकि बच्चे जो है वो ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ पाए। आप भी जानते हैं कि आजकल सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है जिससे बच्चों को लिखना भी भूल चुका है। हालांकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले बच्चे जो है वो ट्रेडिशनल वे से भी पढ़ा करते थे और नई टेक्नोलॉजीज को भी अडॉप्ट किया करते थे। लेकिन आपको बता दें कि जब स्मार्ट क्लासरूम्स आए और बच्चों को स्मार्ट तरह से पढ़ाया जाने लगा तब भी बच्चे जो है वो फोन्स पर डिपेंडेंट नहीं थे, क्योंकि स्मार्ट क्लासरूम्स में बच्चों के डाउट्स क्लियर होते थे और हर एक चीज क्लियर होती थी। लेकिन जब से कोविड आया तब से कोविड ने बच्चों को ऐसी लत लगाई स्मार्टफोन्स की कि अब तो टीचर भी जो है वो कहता है कि होमवर्क आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ जाएगा और बच्चे भी गूगल के सहारे जो है अपना होमवर्क पूरा करते हैं, जिसकी वजह से लगातार बच्चे जो है वो डल बनते जा रहे हैं और उनकी पढ़ाई इतनी बोरिंग हो चुकी है कि वो माँ बाप को धोखा देते हैं। यानी फोन्स पर पबजी जैसी फ्री फायर जैसी गेम्स खेलते हैं और माँ बाप को कहते हैं कि पढ़ाई हो रही है, और माँ बाप अनजान है क्योंकि उन्हें पता है कि स्कूल भी आजकल जो है वो बिल्कुल कहता है कि आप पढ़ाई करें फोन पर ही। तो लेकिन आपको बता दें कि अब यूनेस्को ने ऐसा कहा है कि ग्लोबली स्मार्टफोन्स को स्कूल के अंदर बैन कर दिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से बच्चों का जो मोरल है वो भी बूस्ट नहीं हो पा रहा और बच्चे जो है वो अच्छी तरह से पढ़ नहीं पा रहे, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, मोबाइल पर बच्चे लगे रहते हैं तो प्लेग्राउंड्स खाली हो चुके हैं। आपको बता दें कि जब से बच्चे मोबाइल्स पर इतना ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करना शुरू हुए हैं तब से बच्चे किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी हिस्सा नहीं ले रहे, तब से बच्चे जो है वो कहीं घूमने फिरने नहीं जाते, शाम को प्लेग्राउंड जो है वो सूने सूने और खाली खाली रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो क्रिएटिविटी में कम आगे जा रहे हैं और फोन चलाने में सबसे ज्यादा आगे जा रहे हैं, इसलिए बच्चों के साथ बड़े बड़े स्कैम्स भी जो है वो नजर आ रहे हैं। इसलिए यूनेस्को ने यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि अब पूरे ग्लोबली यानी उन्होंने एक पेशकश की है कि बच्चों के हाथों से स्मार्टफोन जो है वो स्कूल के वक्त के लिए उतार दिए जाए और उनके हाथों से स्मार्टफोन की जगह एक बार फिर से कॉपी और कलम आ जाए। पहले बच्चे जो है टीचर कहा करता था थॉरली और बच्चे जो है वो लिखा करते थे, बच्चों की वोकैबुलरी अच्छी हुआ करती थी। यूनेस्को ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें यूनेस्को ने ये बताया कि बच्चों में जो वोकैबुलरी थी वो कम हो चुकी है। अगर बात करते हैं वर्ड्स की, उन्हें वर्ड्स लिखना नहीं आते, अगर उनसे कभी कोई वर्ड पूछ लिया जाता है तो उन्हें प्रोनाउंस करना भी बहुत मुश्किल से आता है और वो फटाफट फोन खोलकर जो है वो गूगल से जवाब देते हैं। जबकि अब यूनेस्को ये चाहता है कि बच्चे शिफ्ट करें, कोविड कब से खत्म हो चुका है, कोविड वापस ना आए उसके लिए बहुत से इंतजाम भी कर दिए गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो है वो एक मजबूरी का माध्यम थी, लेकिन यूनेस्को इसको मानता है कि इफेक्टिव लर्निंग क्या है। इफेक्टिव लर्निंग वही है जो क्लासरूम लर्निंग है, यानी जिसमें टीचर भी सामने प्रेजेंट हो और स्टूडेंट भी सामने प्रेजेंट हो, वो एक इफेक्टिव लर्निंग है। आजकल ऑनलाइन के माध्यम से जो लर्निंग है वो डल और बोरिंग बन चुकी है। टीचर यहां से कुछ बोलता है, बच्चा वहां से माइक म्यूट करके रखता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता और बाद में बच्चों के मार्क्स देखो वो बिल्कुल भी सही नहीं आते। इसीलिए इफेक्टिव लर्निंग एक वो लर्निंग है, वो एक माध्यम है कि ट्रेडिशनल वे का इस्तेमाल किया जाए, टीचर यहां से बोले और बच्चा वहां से कॉपी पे लिखे, उसे ग्रैस्प करे, और जिससे बच्चे की एक मेमोरी भी स्ट्रांग होती है, जिससे बच्चे एक ट्रेडिशनल वे पर भी जाएंगे, दोबारा से कॉपियों का समय वापस आएगा, बच्चे लिखना शुरू करेंगे, बच्चे अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे। और आप एक बात जानते हैं, जब से ये मोबाइल फोन आया है तब से हो क्या रहा है, तब से अगर टीचर कोई सवाल पूछता है बच्चे मोबाइल लेकर जाते हैं, वो गूगल से फटाफट करके ये बता देते हैं। लेकिन पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, अगर हम अपने वक्त की बात बताएं तो क्या हुआ करता था, मोबाइल्स का इतना ज्यादा दौर नहीं था, इतना ज्यादा मोबाइल फोन नहीं थे, तो हमें कोई टॉपिक ढूंढना होता था तो हमें लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, 4 से 6 किताबें निकालनी पड़ती थी, 4 से 6 किताबों में वो टॉपिक ढूंढना पड़ता था, उस टॉपिक को ढूंढने के साथ उसे लिखना पड़ता था, ये हमारा असाइनमेंट होता था। लेकिन आज कल के बच्चों का पूरा असाइनमेंट गूगल पर है, वो गूगल से ही जाते हैं, इसलिए वो इतने ज्यादा डल है, इतना ज्यादा क्रिएटिविटी लेवल उनमें हाई नहीं है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बच्चों में अब वो ग्रैप करने की पावर भी कम होती जा रही है। यूनेस्को ने एक रिपोर्ट पेश की है, उसने कहा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड स्मार्टफोन की वजह से बच्चे जो हैं वो बिल्कुल डल हो चुके हैं, उनका मेमोरी लेवल खत्म हो चुका है, उनमें इतनी सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है, कुछ भी पूछो तो मोबाइल निकालते हैं, लोकेशन पूछो मोबाइल निकालते हैं, कुछ भी पूछो मोबाइल निकालते हैं। यूनेस्को इससे डिनाई नहीं करता कि स्मार्टफोन काम के नहीं है,
वो इसे एज ए टूल देखता है, लेकिन बच्चों ने इसे एज ए टूल से बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। और बच्चे अब स्कूल मोबाइल फोन नहीं लेकर जा पाएंगे, यूनेस्को के अगले आदेश में स्मार्टफोन जो है ग्लोबली बंद हो जाएंगे। अभी यूनेस्को ने पेशकश की है, देखते हैं स्कूल इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब आपका बच्चा स्मार्टफोन लेकर स्कूल में नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसे ग्लोबली बंद किया गया। आप ये ना सोचे कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मुंबई में, यानी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में स्कूल्स में स्मार्टफोन ले जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अगर फॉरेन कंट्रीज में बच्चे लेकर जाते हैं ना, लेकिन उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसे असाइनमेंट दिए जाते हैं जिसमें उन्हें लाइब्रेरीज भी खंगालनी पड़ती है, लेकिन भारत के बच्चे ऐसे हैं वो पूरे दिन फोन पर ही डिपेंड रहते हैं और वो कभी आगे पीछे और लाइब्रेरी में भी नहीं जाते। लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए यूनेस्को ने यह पेशकश दी है और दोबारा बच्चे लाइब्रेरी में वापस जाएं, दोबारा से वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करें, इसलिए यूनेस्को ने ये लाया है। मोबाइल फोन को एज ए टूल इस्तेमाल करें, वो यही कहता है। आपकी क्या राय है कि आपके बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद में कितने ज्यादा क्रिएटिव रह चुके हैं, कितना प्लेग्राउंड में जाते हैं, कितना सोशली गैदरिंग्स में जाते हैं, कितना ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा। आपके घर पे बच्चे होंगे, उनकी एक्टिविटीज के बारे में कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा। तो इसी के साथ जम्मू बुलेटिन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और वीडियो को शेयर करें।